ऑल राइट एवरीवन, तो अभी तक हम लोगों ने न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जस्ट अ सेकेंड, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल ऑब्जर्वेशंस को कैसे कैलकुलेट करना, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ गॉस, इसको निकालने के मैं बताता हूँ कितने तरीके होते हैं। एक तो होता है गॉस फॉरवर्ड, एक होता है गॉस बैकवर्ड, एक होता है स्टिरलिंग, एक होता है बेसल, एक होता है एवरेट्स फॉर्मूला, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो ये अलग अलग फॉर्मूले हैं, इनको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज करना होता है गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला, एक हम लोग इस पहले हम लोग यू यूज करते थे, इस बार पी यूज करेंगे। तो ये यूज करते हैं आई गेस 0 से 1/2 के लिए, और गॉस बैकवर्ड वाला आई गेस 0 से -1/2 के लिए यूज करते हैं, ठीक है। स्टिरलिंग वाला -1/4 से 1/4 के लिए, बेसल और एवरेट्स का आई गेस बेसल का 1/4 से 3/4 के लिए, एवरेट्स का आई गेस P0 से 1 में कुछ इस तरह से डिस्कस करते हैं, मैं बाकी देख लूंगा। गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड वाला तो इन केसेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो वैसे तो क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई दिया रहेगा, डिपेंड करता है कि P की वैल्यू को आपको अगर नहीं दिया है तो P की वैल्यू डिपेंड करेगी कि आपको फॉर्मूला याद और कौन सा यूज करना, ठीक है। तो हम लोग फिर डिस्कस करते हैं फिर गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला। बेसिकली आपको पता ही है कि हम लोग सेंट्रल ऑब्जर्वेशन निकाल रहे हैं टेबल की। तो देखिए टेबल कुछ इस तरह से इस बार बनेगी, y x 0, मान लीजिए एक मैं टेबल बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास x और f ऑफ x कुछ ऑब्जर्वेशन दिए गए, तो 0 4 8 12 और 10, तो इनकी करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन है 14 24 32 35 और 40, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लेना स्टार्ट करेंगे, देखो ये सेंट्रल पार्ट है, तो यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, ये लाइन खींच लेंगे कि एवरेट्स और जितने फॉर्मूले सभी में काम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन को x 0 लेंगे, तो ये y 0 हो जाएगी, हो जाएगा x-1 x-2, x1 x2, y1 y2, y-1 y-2, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट ही कर देते हैं हम लोग, फिर इसमें फिर करते क्या, देखो इसमें हम लोग सिर्फ फॉरवर्ड डिफरेंस ही निकालेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हम लोग को बनानी है, सबसे पहला काम तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल ही बना लो। डेल ऑफ एफ इन दोनों का 10 आ जाएगा, इन दोनों का हमारे पास 8 आ जाएगा, इन दोनों का हमारे पास 3 आ जाएगा, इन दोनों का हमारे पास 5 आ जाएगा। डेल स्क्वायर एफ करेंगे हमारे पास इन दोनों का -2, इन दोनों का -5, इन दोनों का 2 आएगा। अगला डेल क्यूब ऑफ एफ निकालेंगे हमारे पास इन दोनों का -3, इन दोनों का 7, आखिरी में डेल टू द पावर 4 एफ हमारे पास आएगा 10, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या यूज करना है, इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं एफ ऑफ ए प्लस यू एच, डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स से मिल देता हूँ। एफ ऑफ एक्स कोई ऑब्जर्वेशन हम लोग को निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है y 0 प्लस पी, ये इसमें हम लोग यूज करते हैं ये ऑब्जर्वेशन, देन ये ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन, देन ये ऑब्जर्वेशन, देन ये ऑब्जर्वेशन, इनको मैं लिख देता हूँ। ये ऑब्जर्वेशन होती क्या है डायरेक्ट जनरलाइज में, y 0, ये हमारे पास ये हो गया हमारे पास डेल y-2, डेल y-1, डेल y 0, ठीक है। और नीचे वाले हमारे पास हो गया, हाँ ये डेल y 0 है, इसको मैं क्लियर सही से लिखता हूँ एक बार, वेट अ सेकेंड, मैं बता, जस्ट सेकेंड, मैं इस ऑब्जर्वेशन को सही लिख देता हूँ, ऐसे ही बड़ा हॉचपॉच है। जहाँ देखो किन ऑब्जर्वेशन को इसमें ले आओ देना होता है, तो इन दोनों का जैसे हम लोग यहाँ पर हम लोग देखा y-2 y-1 करस्पॉन्डिंग
कि हम लोग ऐसे डायरेक्ट सिंपल ऐसे टेबल बनाते हैं, वैल्यूज नहीं लेते, ठीक है, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन, एक्स जीरो, एक्स वन और एक्स टू। मान लीजिए ये हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन वाली टेबल है, जैसे करस्पॉन्डिंग वाई जीरो, वाई वन और वाई टू आ जाएगा हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पे पहला फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे, तो इन दोनों का पहला फॉरवर्ड डिफरेंस आएगा डेल वाई माइनस टू, डेल वाई माइनस वन, डेल वाई जीरो, डेल वाई वन, फिर लेंगे डेल स्क्वायर वाई माइनस टू, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, डेल स्क्वायर वाई जीरो, यह आएगा डेल क्यूब वाई माइनस टू, डेल क्यूब वाई माइनस वन, डेल टू द पावर फोर वाई माइनस टू। अच्छा अब हम लोग दिखाता हूँ कौन कौन से ऑब्जर्वेशन इसमें लेने होते हैं हम लोग को। इसमें हम लोग पहला ऑब्जर्वेशन ये लेना है, सेंट्रल लाइन, ये अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ कर ले, सेंट्रल लाइन पर ये आएगा डेल वाई, डेल क्यू वाई माइनस टू, ठीक है, डेल टू फोर वाई माइनस टू, ये सेंट्रल लाइन पर ये लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन, देन ये वाली ऑब्जर्वेशन, देन ये वाली ऑब्जर्वेशन, ये दोनों यहाँ पर आया, ये दोनों यहाँ पर आया, ठीक है, ये वाली ऑब्जर्वेशन, देन ये वाली ऑब्जर्वेशन, ठीक है, वही गॉस, ये फॉरवर्ड गॉस, गॉस बैकवर्ड में, ये वाली ऑब्जर्वेशन, देन ये वाली ऑब्जर्वेशन, देन ये वाली ऑब्जर्वेशन, देन ये वाली ऑब्जर्वेशन, ये बैकवर्ड में, ये फॉरवर्ड में। तो फॉर्मूला अगर हम लोग फॉरवर्ड का बनाए तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस यू एच, या फिर एफ ऑफ एक्स से लिखें, यू को पी, तो हमारे पास आ जाएगा वाई जीरो प्लस पी डेल वाई माइनस वन प्लस पी पी माइनस वन डेल, यहाँ ये वाला यूज कर रहे, ठीक है, नीचे वाला, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल पी पी माइनस वन, फिर देन पी प्लस वन, या नोट करिएगा पी माइनस वन आया तो उसके करस्पॉन्डिंग पी प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पर आया हमारे पास ये वाला डेल क्यूब वाई माइनस वन, ये डेल क्यूब वाई माइनस वन, ठीक है, फिर आया पी पी माइनस वन पी प्लस वन एंड देन पी माइनस टू डिवाइडेड बाई फोर फैक्टोरियल इनटू टेन टू द पावर फोर माइनस टू, ठीक है। सिमिलरली अगर अगली ऑब्जर्वेशन लिखनी होती तो यहाँ पर आ जाता पी पी माइनस वन पी प्लस वन पी माइनस टू एंड देन पी प्लस टू, ठीक है, इस तरह से आ जाती। तो ये हो गया हमारे पास गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला। बैकवर्ड फॉर्मूला इसी टेबल को अगर हम लोग देख के लिखना चाहे तो y इक्वल टू वाई जीरो प्लस पी डेल, पी हमारे पास वही है एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, या फिर अगर एफ ऑफ ए प्लस यू एच के नोटेशन पढ़ना चाहो तो ये अगर ये एक्स हो जाए, मतलब एफ ऑफ एक्स है तो एक्स माइनस ए अपॉन, यहाँ पर ए हो जाएगा एक्स नॉट हमारा, मतलब सेंट्रल ऑब्जर्वेशन, अपॉन एच, ये हो जाएगा हमारे पास यू, यू पी सेम थिंग, ठीक है, पी डेल वाई माइनस वन, फिर यहाँ आएगा पी पी प्लस वन डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, देन पी पी प्लस वन, देन आएगा यहाँ पर पी माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल क्यू वाई माइनस टू, देन हमारे पास आएगा पी पी प्लस वन पी माइनस वन पी प्लस टू डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल इंटू डेल टू द पावर फोर वाई माइनस टू। तो ये हो गया हमारे पास गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गई हमारी सेंट्रल ऑब्जर्वेशन टेबल को यूज करके कैसे हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं, फॉर्मूला में डेरिवेशन दे दिया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे ताकि ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, मैं कोई क्वेश्चन देखता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, में प्रॉब्लम लेकर आता हूँ, ठीक है, फिर प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं यहाँ पर, कहाँ चलोगे पेन, तो प्रॉब्लम लेंगे सबसे पहले गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला की, यूजिंग गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला इवेलुएट एफ ऑफ 22। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसी है कि
एक्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 22। तो यहाँ मेरे पास पहले 20, 25, 30, 35, 40। तो हम लोग यहाँ पर एफ ऑफ 34, ठीक है, एफ ऑफ 34 ये ऑब्जर्वेशन यहाँ ले लेते हैं यहाँ पर। तो यूजिंग गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला हम लोग को इवेलुएट करना है, तो इन पर ऑब्जर्वेशन वैल्यू हमारे पास कितनी है, इस पर हमारे पास वैल्यू है 354, इस पर वैल्यू है 332, इस पर है 291, इस पर है हमारे पास 291, इस पर है 260, इस पर है 231, ठीक है। तो यूजिंग गॉस फॉरवर्ड फार्मूला हम लोग को इवेलुएट करना है, और डिफरेंस टेबल हम लोग बना लेते हैं। डेल ऑफ एफ सेंट्रल ये हो गया, तो इसको हम लोग यहाँ पर सेंट्रल लाइन बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पहला इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं, तो हमारे पास आएगा -22। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास -41। अगला इन दोनों बीच का -31, इन दोनों के बीच का -29, ठीक है। फिर डेल क्यू डेल स्क्वायर ऑफ एफ निकालेंगे, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस -19, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2। फिर अगला डेल क्यूब ऑफ एफ हमारे पास आएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे पास आ गया 29, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे पास -8 आ गया। डेल फोर हमारे पास आएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस -37, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी में वैल्यूज लेनी है। गॉस फॉरवर्ड के लिए ये ऑब्जर्वेशन, देन ये ऑब्जर्वेशन, देन ये ऑब्जर्वेशन, देन ये ऑब्जर्वेशन, देन ये ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो गॉस फॉरवर्ड के लिए हम लोग ये ऑब्जर्वेशन लेंगे। हम लोग अपना फॉर्मूला लिखते हैं, पी की वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। एक्स हमें जो निकालना है 34 माइनस एक्स नॉट हमारा 30 है सेंट्रल ऑपरेटर, अपॉन एच हमारे पास 5 का है, तो 4 / 5 0.8, ठीक है। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ 34 इक्वल टू वाई जीरो, वाई जीरो पर 291 ऑफ, फिर हमारे पास आता है पी दैट इज 0.8 पी डेल वाई नॉट माइनस 31, देन फॉरवर्ड में पी पी माइनस 1 0.8 देन 0.8 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल या 1 फैक्टोरियल। अगला ऑब्जर्वेशन ये है हमारे पास 10, देन 0.8 0.8 माइनस 1 0.8 माइनस 1 देन आ गया 0.8 प्लस 1, देखिए माइनस 1 के बाद यहाँ पर प्लस 1 आ जाता है फॉरवर्ड में, फिर अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू ये माइनस 8, देन हमारे पास 0.8 माइनस 1 0.8 प्लस 1 0.8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू माइनस 37, ठीक है, से जो भी वैल्यू आ रही होगी। तो बेसिकली हमें को ये जानना था कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला के लिए। गॉस बैकवर्ड के लिए मैं देखता हूँ हमारे पास है ये एक्स एफ ऑफ एक्स ऑब्जर्वेशन टेबल 0, 5, 10, 15, 20, ठीक है। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमारे पास 7, 11, 14, 18, 24। हम लोगों को एफ ऑफ ये सेंट्रल है एफ ऑफ 8 निकालना है, एफ ऑफ 8 कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग निकालते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं, एफ ऑफ 8 निकालना है। फॉरवर्ड डिफरेंस डेल ऑफ एफ हमारे पास हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास है, सेंट्रल लाइन बना लेता हूँ मैं, दोनों डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास 3 आया, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास 4 आया, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास 6 आया। डेल स्क्वायर ऑफ एफ
इन दोनों डिफरेंस माइनस वन आया, इन दोनों का डिफरेंस वन आया, इन दोनों का डिफरेंस टू आया, ठीक है। अगला डेल क्यूब ऑफ एफ, इन दोनों का डिफरेंस टू आया, इन दोनों का डिफरेंस वन आया। डेल फोर ऑफ एफ, इन दोनों का डिफरेंस माइनस वन आया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फॉरवर्ड या बैकवर्ड के लिए ऑब्जर्वेशन यूज करेंगे, ये वाली, देन ये वाली, देन ये वाली, देन ये वाली, लास्ट में ये वाली ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास एफ ऑफ एट आया, पी हमारे पास आएगा एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, एक्स है हमारे पास एट माइनस एक्स नॉट इज टेन अपॉन एच ए फाइव माइनस टू बाई फाइव दैट इज माइनस जीरो पॉइंट फोर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा वाई जीरो, तो वाई जीरो इज फोरटीन प्लस पी, पी हमारे पास है माइनस जीरो पॉइंट फोर पी। डेल वाई, पहला ऑब्जर्वेशन हमारे पास थ्री डिवाइडेड बाई वन फैक्टोरियल प्लस पी, पी प्लस वन इंटू ये वाला ऑब्जर्वेशन वन डिवाइडेड बाय थ्री टू फैक्टोरियल प्लस पी, पी प्लस वन देन पी माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल इंटू ये वाला ऑब्जर्वेशन और फाइनली पी, पी प्लस वन, पी माइनस वन इंटू पी प्लस टू डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल इंटू हमारा आखिरी ऑब्जर्वेशन है माइनस वन, ठीक है। तो वट एवर जो भी इसकी वैल्यू आ रही होगी आप लोग उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया है गॉस फॉरवर्ड गॉस बैकवर्ड फार्मूला, कैसे फार्मूला डिराइव किया जाता है, ठीक है। स्टिरलिंग फार्मूला असल में होता क्या, मैं स्टिरलिंग फार्मूला बता देता हूँ, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी स्टिरलिंग फार्मूला। Is just average of Gauss backward and forward formula, ठीक है। Stirling formula ऐसा कुछ होता नहीं, Gauss backward और forward formula का असल में average होता है। इसमें क्या करते हैं, इस observation then इन दोनों observation then इस observation then इन दोनों observation और इस observation को लेते हैं, ठीक है। इसमें बताता हूँ क्या होता है, एक table हम लोग बना लेते हैं, हमारी generalized table x0 x1 x माइनस वन x माइनस टू x1 x2 y माइनस टू y माइनस वन y जीरो y वन y टू, ठीक है। इनका डिफरेंस आएगा y, सेंट्रल में रख लेता हूं मैं, इनका डिफरेंस आएगा y माइनस टू, इनका आएगा डेल y माइनस वन डेल y जीरो डेल y वन डेल स्क्वायर वाई माइनस टू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन देन इन दोनों का। यहाँ आ गया हमारे पास डेल स्क्वायर वाई जीरो डेल क्यू वाई माइनस टू डेल क्यू वाई माइनस वन डेल फोर वाई माइनस टू, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन देन इन दोनों ऑब्जर्वेशन का एवरेज देन इस ऑब्जर्वेशन देन इन ऑब्जर्वेशन का एवरेज देन इस ऑब्जर्वेशन का। फिर हमारे पास आएगा एफ ऑफ जो भी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास इस ऑब्जर्वेशन का एवरेज लेंगे तो वाई जीरो रहेगा। फिर बेसिकली डायरेक्ट गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉर्मूला में लिख देता हूँ। फॉरवर्ड के लिए अपने पास था वाई जीरो प्लस पी डेल वाई नॉट प्लस यहाँ पर पी पी माइनस वन डेल स्क्वायर वाई माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल देन पी पी माइनस वन पी प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल क्यू वाई माइनस वन देन पी पी माइनस वन पी प्लस वन पी माइनस टू अपॉन फोर फैक्टोरियल डेल फोर वाई माइनस टू। ये फॉरवर्ड है। गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला हमारे पास था वाई जीरो प्लस पी डेल डेल वाई माइनस वन, ठीक है। यहाँ पर डेल वाई माइनस वन देन हमारे पास आता था पी पी प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस वन देन पी पी प्लस वन
पी माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल क्यू वाई माइनस टू, देन हमारे पास लास्टली आएगा पी पी प्लस वन पी माइनस वन पी प्लस टू डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल डेल फोर वाई माइनस टू। करना क्या है, इनकी जो जो ऑब्जर्वेशन है उनका एवरेज लेते चले जाओ, इन दोनों का एवरेज लोगे स्टिलिंग का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा वाई जीरो, इन दोनों का एवरेज लो हमारे पास आएगा पी डेल वाई माइनस वन प्लस डेल वाई जीरो अपॉन टू, इन दोनों का एवरेज लो आएगा हमारे पास पी पी स्क्वायर माइनस वन डेल स्क्वायर वाई माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, इन दोनों कहाँ गया, इन दोनों का एवरेज लो हमारे पास आएगा पी, ये तो पी हो गया पी स्क्वायर हमारे पास, वेट अ सेकेंड कुछ, हाँ ठीक है, इन दोनों का ये नहीं आएगा, पहले कही आगे इन दोनों का अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास आएगा पी स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, इन दोनों का आएगा पी पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल क्यू वाई माइनस वन प्लस डेल क्यू वाई माइनस टू अपॉन टू। अगला इसका और इसका आएगा पी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर फैक्टोरियल डेल टू द पावर फोर वाई माइनस टू। ठीक है, तो कुछ ऑब्जर्वेशन लोग देख लेते हैं, जो यहाँ का जो इवन टर्म के जो कोफिशियंट्स हैं, ठीक है, इवन टर्म्स के जो इवन टर्म्स के जो कोफिशियंट्स हैं ऑफ स्टिरलिंग दे आर सेम एज कोफिशियंट ऑफ गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला। गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला के जो इवन कोफिशियंट्स होंगे वही इसके कोफिशियंट्स होंगे। ठीक है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, ये कुछ ऑब्जर्वेशन आपको काम आएगी अगले वैल्यू निकालने में। ठीक है, और जो ऑड ऑब्जर्वेशन है, जैसे यहाँ की जो ऑब्जर्वेशन है वो इवन पिछली वाली ऑब्जर्वेशन में जस्ट पी मल्टीप्लाई करना है, जैसे ये हमारी इवन ऑब्जर्वेशन है, अगली ऑब्जर्वेशन में करना है इस ऑब्जर्वेशन में बस पी मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो अगर ऐसा हम लोग करें, देखो ये हमारे पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो सिक्स ऑब्जर्वेशन क्या आएगी हमारे पास, आप लोग गेस मार सकते हैं, सिक्स ऑब्जर्वेशन वही आएगी जो हमारी गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला की सिक्स ऑब्जर्वेशन होगी। ये होगा वन टू थ्री फोर फाइव, सिक्स ऑब्जर्वेशन लिखना चाहिए पी पी माइनस वन पी प्लस वन पी माइनस टू और यहाँ पे पी प्लस टू। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पी पी स्क्वायर माइनस वन पी स्क्वायर माइनस टू डिवाइडेड बाय फाइव फैक्टोरियल। ठीक है, जो भी इसके बाद का टर्म आया होगा वो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में यहाँ पर डेल का कुछ भी होगा फाइव। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपना स्टिरलिंग फॉर्मूला की कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, इवन टर्म की जो कोफिशिएंट होगा गॉस फॉर्मूला के होंगे और ऑड टर्म का कोफिशिएंट होगा जस्ट प्रीवियस टर्म के कोफिशिएंट में पी मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, ये एक तरीका होता है मेमोराइज करने का। ठीक है, तो आज हम लोगों ने गॉस फॉरवर्ड गॉस बैकवर्ड फॉर्मूले देख लिए। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग स्टिरलिंग बेसल और एवरेट्स पर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।